अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है आप लोग देख रहे हैं क्रिएटिव महे बुखारी और मेरा नाम है सैयदा महे बुखारी। आज हम लोग आए इस्लामाबाद क्योंकि मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मेरी यूट्यूब मेम्बर्स हैं वो मुझे पहले से देख रहे हैं, उनको तो पता होगा कि मैंने अपनी ओल्ड वीडियोज़ में अपनी जो मुझे पैचेस, मेरी आइज़ वगैरह पे उनके बारे में बताई है। जो न्यू उनको भी मैं बताती चलूँ, जो मैंने कुछ वीडियोस पहले अपलोड किए उनके अंदर मेरी आइज़ के ऊपर पैचेस हैं वो माशाल्लाह अभी बहुत कम हो चुके हैं। तो मैं आई हुई अपने रूटीन चेकअप के लिए उसी के सिलसिले में। यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं पेस हॉस्पिटल में। ये जो पेस हॉस्पिटल है ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। तो मीसम को भी हम साथ लेके आए क्योंकि मीसम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गया था, उसके फेस पे वाइट पैचेस बनने लग गए थे। उसको भी हमने, उसका भी चेकअप कराना था। मेरे तो वैसे रूटीन में होते हैं। यहाँ से भी हम लोग एंट्री करे, आगे हमने अपना अभी नेम वगैरह सारा सबमिट कराना है उनको, फिर हम लोग अंदर चेकअप के लिए जा सकते हैं। यहाँ सबमिट नहीं, सॉरी, हमने अपना यहाँ पर नेम इंटर कराना होता है, फीस हमने सबमिट करानी होती है। ये भाई हमारा नेम इंटर हो चुका है। यहाँ पर अब हम अपनी चेकअप की फ़ीस सबमिट कर रहे हैं। बाबा और मिस्टर वहाँ पर खड़े हुए फ़ीस सबमिट करने के लिए। यहाँ पर अभी हम लोग अंदर वाली साइड पे जा रहे हैं क्योंकि चेकअप वगैरह जो भी होते हैं वो अंदर वाली साइड पे होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह वो सारे वहाँ पर होते हैं। हमारे दूसरी साइड पे कैफ़े है, ठीक है। यहाँ से अभी मैं इंटर होती हूँ और आपको अंदर से दिखाऊँगी। तो अभी हम लोग एंट्री बस करते हैं। यहाँ पर आप लोग बाहर से देख सकते हैं, यहाँ से इधर वहाँ से हमने एंट्री की थी। गाइस मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाई क्योंकि डॉक्टर ही नहीं थे। हम लोग अंदर गए, हमें पता चला कि जूनियर डॉक्टर बैठे हैं। मैं जूनियर से नहीं करा सकती थी क्योंकि मैं प्रोफेसर से कराती हूँ, इसीलिए फिर हमने वहाँ यहाँ पर अपना जनरल से कराती हूँ, इसीलिए फिर हमने यहाँ पर अपनी फ़ीस, हमने बताया कि डॉक्टर नहीं है, अपनी फ़ीस दोबारा से वापस ली। और यहाँ से फिर हम लोग बाहर निकल रहे क्योंकि डॉक्टर तो थे नहीं, अब हमें इमरजेंसी को दोबारा आना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलो एटलीस्ट हम अपनी मेडिसिन, मैं अपनी मेडिसिन ले लूँ वो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी, मेरी ख़त्म हुई हुई थी। हमने सोचा डॉक्टर से पूछ रहे तो क्या पता उन्होंने कोई मेडिसिन चेंज करनी हो। अब हम वेडनेसडे को आएंगे तब तक तो मुझे वही मेडिसिन चलानी होगी। तो यहाँ से मिसम, बाबा, मैं, मम्मा सारे हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और फार्मेसी में जाके आपसे मिलते हैं। मैं मम्मा को बोलती, मैं मम्मा को बोल ही दी थी, मम्मा हम हॉस्पिटल नहीं जाते, हमें स्कूल जाने दे पूरा हफ्ता, ये फ्राइडे की छुट्टी करने का भी क्या फ़ायदा। मम्मा बोलती है, जब हम लोग को डॉक्टर नहीं थे, मम्मा बोलते आप लोगों की नीयत ही नहीं थी इधर आने की। हमने यहाँ से ली अपनी मेडिसिन, मिसम की, हम मिसम की भी हमारे, हमें मेडिसिन मिल गई। जो फार्मेसी पे एक अंकल बैठे थे वो कहते थे कि ये सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि मिसम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गया था, तो हम वही खिला रहे हैं। जो बच्चे देख रहे हैं ना उनको मैं पहले बता रही हूँ, जंक फूड मत खाना, नहीं तो आपके भी चेहरे का ना बेड़ा अच्छे से ना बुरा हाल हो जाएगा, हाल का बेहाल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम वापस आ रहे। गाइस मैं आपको बताऊँ, जो इस्लामाबाद है वो दुनिया के खूबसूरत कैपिटल्स में से एक है। तो यहाँ पर बाबा को ऑफिस में कोई काम था तो हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अभी इस्लामाबाद से रावलपिंडी में आ चुके हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं मेन सदर में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग, ये मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।